दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने लाइव का सबसे अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और कभी भी लाइट जा सकती है, पर ये लेक्चर रिकॉर्ड करके देना मेरी पूरी जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करूंगा कि जरूर आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करूं अगर लाइट रहा तो। तो दोस्तों कॉर्ड ट्रेसिंग में ऑलरेडी मैंने जितने भी टॉपिक्स थे आपको कार्टेशियन पोलर का सब कुछ दे दिया था। पैरामेट्रिक का एक टॉपिक बचा हुआ था, वो भी आज आप ले लो। स्पीयर करके मैंने मोस्ट ऑफ दी टॉपिक आप देखोगे सब कुछ मैंने कवर करा दिया है और ये टॉपिक भी बहुत ही इसी तरीके से। और कॉल ट्रेसिंग के मेरे टॉपिक्स को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बोल रहे कि इवन मुझे कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि सर आपका जो टॉपिक्स है, जो जितना हमने वीडियोस देखा उसके बाद जब मैंने आपका वीडियोस देखा ना तो फिर पूरा दिल लग गया क्योंकि आपका पढ़ाने का यहाँ पे कॉल ट्रेसिंग का तरीका ही अलग है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो भी मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने कार्टेशियन और पोलर में कुछ रूल्स देखे हैं, वैसे यहाँ पे एक रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर समझो सिमेट्री किसके अकॉर्डिंग रहेगा तो इसके अंदर टोटल मेनली दो ही रूल है, पर तीसरा रूल भी आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है, जैसे अगर समझो पैरामेट्रिक मतलब क्या होगा, एक आपको एक्स इक्वल टू समथिंग दिया होगा, एक वाई इक्वल टू समथिंग, ये आपने ट्वेल्थ में भी सॉल्व किया होगा। यहाँ पे हो सकता है ये थीटा के टर्म में हो सकता है ये टी के टर्म में हो सकता है ये एम के टर्म में हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर समझो ये फंक्शन टी के टर्म में, ये फंक्शन भी टी के टर्म में और ये एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, तुरंत हमें समझ में आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपका अगर पहला फंक्शन, अगर आपका पहला फंक्शन दोस्तों अगर इवन हो गया और सेकेंड फंक्शन अगर सपोज आपका ऑड हो गया तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सिमेट्री है दोस्तों एक्स एक्सिस के अबाउट रहेगा। सिमेट्रिकल हमारा जो कर्व रहेगा कौन से एक्सिस के अबाउट होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। अब आप बोलोगे सर इवन और ऑड कैसे निकालेंगे, दोस्तों आपने अगर इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा, बट टेंशन मत लो, इवन और ऑड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, आपको इसको इवन और ऑड चेक करना है तो यहाँ पे आपको टी की जगह पे माइनस टी पुट करना है। क्या पुट करना है, माइनस टी। अब देखो मैं यहाँ पे जहां पे भी टी है वहां पे मैंने माइनस टी पुट किया और उसका स्क्वायर लिया तो ए इक्वल टू ए माइनस टी का अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो दोस्तों क्या होगा टी स्क्वायर। और यहाँ पे फाइनली जो मेरा स्टार्टिंग का इक्वेशन था वही मुझे लास्ट में मिला। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का इक्वेशन मेरा जो एक्स था लास्ट में, ये पूरा का पूरा एक्स ही है तो एक्स ही मिला। अगर लास्ट में मुझे माइनस एक्स मिलता तो ये मेरा क्या हो जाता, ऑड फंक्शन। तो अगर मुझे सेम टू सेम मिलेगा तो समझ जाना इवन, और अगर चेंज हो गया तो उसे ऑड, पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर आप समझ लोगे। अब दोस्तों ये होने के बाद जस्ट इसी का अपोजिट, अगर आपका पहला फंक्शन एक्स वाला फंक्शन अगर ऑड हो गया और वाई वाला फंक्शन अगर इवन हो गया तो आप समझ जाना कि जो आपका कर्व है दोस्तों वो वाई एक्सिस से सिमेट्री है। और दोस्तों अगर सपोज दोनों के दोनों ऑड हो गए तो आपका जो कर्व है दोस्तों वो अपोजिट क्वाड्रेंट से क्या होगा दोस्तों, सिमेट्री होगा। तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं, तो ये दो भी अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जैसे ही आपका ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तुरंत याद हो गया, देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला एक्स वाला फंक्शन अगर इवन है और वाई वाला फंक्शन अगर ऑड है तो एक्स एक्सिस से है सिमेट्री, और अगर दूसरा वाला इसका जस्ट अपोजिट, पहला वाला अगर ऑड दूसरा वाला अगर इवन तो वाई एक्सिस से। और यहाँ पे टेबल में पहला वाला दोस्तों यहाँ पे क्या लिया है, हमें क्या लेना है, टी लेना है, देन इसके बाद टेबल हमें किसका बनाना है, एक्स का। मतलब सपोज मैं ऐसा टेबल इसके बाद तैयार करूंगा इस तरह से, यहाँ पे टी लूंगा, यहाँ पे एक्स लूंगा, यहाँ पे वाई लूंगा और यहाँ पे दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स लूंगा। ये आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते बताऊंगा। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, बाहर इतना तेज बारिश हो रहा है, लेक्चर मेरा खराब ना हो जाए, देखते हैं कि लाइट जाता है कि नहीं जाता है, आपको ही पता चल जाएगा, मुझे भी पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ हिंट लाया है, दोस्तों जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे ना डी वाई बाई डी एक्स, और अगर जब आप इसका कॉप प्लॉटिंग कर रहे हो तो अगर कहीं पे भी अगर समझो आपको वन दिखा, वन दिखा मतलब 45 डिग्री, अब सपोज कोई लाइन ऐसी है, अभी मुझे 45 डिग्री का अगर एंगल बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा इस लाइन के ऊपर, ये देखो ये 45 डिग्री का वन एंगल है, तो अगर सपोज कहीं पे ऐसा पॉइंट रहा और वहां पे वन आया आपका, तो आपको कर्व इस तरह से लेना है, मतलब ये देखो ना 45 डिग्री का स्लोप है। अगर वही माइनस वन है, माइनस वन मतलब दोस्तों कितना होता है 135, तो 135 इतना है तो इसका इस तरह से आ रहा है, तो अगर सपोज ये पॉइंट है तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब वाई एक्सिस, तो आपको इस तरह से सीधा आपका टेंजेंट ऐसे बनाना है सीधा। और दोस्तों अगर जहां पे जीरो आया, जीरो मतलब एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको उस पॉइंट पे ऐसा बनाना है। तो अगर आपने ये बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया, मेरा लेक्चर हमेशा से कुछ लॉजिक के ऊपर रहता है, देखो मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया है,
ये याद कर लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। कभी भी अगर आपका इक्वेशन टी के टर्म में आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू कुछ 80 स्क्वायर दिया है, ऐसा टी के टर्म में आ रहा है, तो उस टाइम पे जब आप टेबल बनाओगे ना, तो टी का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको लेना है। पर वही अगर आपका जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू, अगर समझो आपको साइन और कॉस थीटा इस टर्म में अगर पूछा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेना है, 0 लेना है, 45 लेना है, 90 लेना है, 135 लेना है एंड 180 लेना है। कब लेना है? जब एक्स एक्सिस को सिमेट्री होगा। तो ये आप लॉजिक रखो, ये कोई फिक्स टर्म नहीं है, इसके अंदर आप एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, इसे और एक्सटेंड भी कर सकते हो। आप अपने बुक में देखोगे तो 2π तक भी लिया है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आप इतना लोगे तो भी चलेगा, ये कोई रूल है नहीं है कि भाई इतना ही लेना है। अगर वाई एक्सिस रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर वाई एक्सिस रहा तो आप इस तरह से ले लेना जब टेबल बनाना, तो वाई एक्सिस से अगर सिमेट्री रहा तो आप बस 3 पॉइंट कंसिडर करना, तो भी आपका डायग्राम बन जाएगा 0, 90 और 180। देखते हैं कैसे बनता है, 1x1 हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक्स इक्वल टू 2/3 प्लस वाई इक्वल टू 2/3 इक्वल टू ए रेज टू 2/3। अब देखो अगर आप इसके बाद अगर आप देखोगे आपका टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के लिए आपको इस तरह के इक्वेशंस पता होने चाहिए और उसका कर्व भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए उसका फाइनल कर्व अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रेक्टिफिकेशन में तो हेल्प हो ही जाएगा, और साथ में अगर आपका कर्व ट्रेसिंग आया तो आप अपने एग्जाम में भी पता रहेगा कि हाँ इसका कर्व तो यही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये इक्वेशन है तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन दोस्तों ये है, ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि वो डायरेक्ट ये इक्वेशन दे, पर कभी कभी हो सकता है कि वो डायरेक्ट ये दे और बोले कि ट्रेस दी कर्व, तो आपको इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन इसका बहुत ईजी है, देखो एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, वाई इक्वल टू ए क्यूब ए साइन क्यूब थीटा है, तो ये आपको एक दो चीज याद होना चाहिए, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज फेस होगी, हो सकता है कभी ये डायरेक्ट ये पूछा है तो कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे कि और करके दिया तो भी दिक्कत नहीं, पर कभी कभी हो सकता है बस यही दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा आगे ए है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सिमेट्री चेक कर रहा हूं। अगर मैं सिमेट्री चेक करूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा दोस्तों, एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए साइन क्यूब थीटा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था टी के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, माइनस टी, वैसे थीटा के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, माइनस थीटा। अब देखो एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, पर यहां पर मैंने क्या देखा, माइनस टी, माइनस थीटा, तो एक्स इक्वल टू ए, आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा प्लस होता है, तो दोस्तों यहां पे क्या आ जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा। मतलब इससे ये पता चला कि हमारा जो एक्स है फाइनली, देखो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स है, या तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि लास्ट में फिर से हमें सेम टू सेम इक्वेशन मिला। अब यहां पर अगर मुझे सेम टू सेम इक्वेशन मिला या एक्स इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स मिला, मतलब ये माइनस नहीं मिला, एक्स इक्वल टू देखो ये इक्वेशन एक्स का ही है, एक्स मिला, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा ये जो फंक्शन है, जो हमारा एक्स है दोस्तों, वो कौन सा फंक्शन है, इवन है। कौन सा है दोस्तों, इवन, एक्स इज इवन। वही सेम अगर मैं वाई के लिए चेक करूं, तो वाई के लिए चलो चेक करो, चेक करने का मेथड वही है, आप क्या करो थीटा को रिप्लेस करो माइनस थीटा से, देखो यहाँ पे मैंने इसको माइनस थीटा से रिप्लेस किया, देन वाई इक्वल टू ए, माइनस ऑफ साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अगर कभी माइनस फॉर्म में तो माइनस बाहर आता है, देखो माइनस बाहर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दिया है वो वैसी हो जाएगा, तो फाइनली ये वाई इक्वल टू ये, और ये वाले टर्म का आपको पता है वैल्यू वाई है, तो यहाँ पे हमें वाई इक्वल टू वाई नहीं मिला, वाई इक्वल टू माइनस वाई मिला। जब वाई इक्वल टू माइनस वाई मिलेगा, इससे ये पता चला कि वाई इज ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है दोस्तों, वाई इज ऑड फंक्शन। अगर ये इवन है और ये ऑड है, तो हमने पढ़ा है कि अगर फर्स्ट फंक्शन इज इवन एंड सेकेंड फंक्शन इज ऑड, फर्स्ट फंक्शन इज इवन सेकेंड फंक्शन इज ऑड, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस दोस्तों, क्या बात है सभी ने लिख दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, या कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये जैसे ही हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको पता है क्या करना है, dy बाय dx निकाल लो, क्योंकि आपको टेबल के लिए हेल्प होगा। तो देखो मैं यहाँ पे dy बाय dx निकाल रहा हूं, डी यहाँ पे dy बाय dx निकाल रहा हूं। अब देखो dy बाय dx निकालने के दो मेथड है, या तो डायरेक्ट आप y को डिफ्रेंशिएट करो, या तो आपको पता होगा आपने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा होगा 12th में, dy बाय हम यहाँ पे थीटा है ना, तो dy बाय d थीटा लेते हैं, और यहाँ पे dx बाय d थीटा लेते हैं, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो।
अब यहां पे अगर आपको ऐसे नहीं, अगर समझो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी होता तो डी बाय डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, अब आपको याद होगा ट्वेल्थ का ये मेथड है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरा वाई है, ये देखो वाई है, इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं थीटा पुट करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो यहाँ पे दोस्तों ए तो वैसे ही आएगा और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन क्यूब थीटा ना, तो इसी का मतलब क्या होता है साइन रेस टू क्यूब थीटा, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे हम कौन सा डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दोस्तों, एक्स रेस टू एन वाला, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, एक्स एन एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन एन मतलब कितना है मेरा थ्री है, देन यहाँ पे दोस्तों एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा, एंड दोस्तों एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टू आएगा। अब फाइनली ये हो गया, ये होने के बाद अब आपको यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे थीटा मिलना चाहिए था क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, पर साइन थीटा बैड फंक्शन आया तो वहां पे आपको फिर से साइन थीटा का डेरिवेटिव लिखना है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, एंड दोस्तों यहाँ पे फिर से अब देखो इसका डीएक्स बाय डी थीटा अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो डीएक्स बाय डी थीटा मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों ए, ये थ्री ऐसे ही आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर ऐसे आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस साइन थीटा। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो ये, देखो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसल, थ्री थ्री कैंसल, ए ए कैंसल, ये कॉस थीटा कैंसल, तो फाइनली ऊपर एक साइन थीटा बचा है दोस्तों। और नीचे अगर मैं देखूंगा तो नीचे एक मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेन थीटा दिखाई दे रहा है, नीचे साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो फाइनली ऊपर क्या बचा है दोस्तों एक साइन थीटा और नीचे दो कॉस थे, तो नीचे क्या बचा कॉस थीटा और साथ में क्या है माइनस, माइनस नीचे तो मैं इसे ऊपर ले लिया। अब दोस्तों अगर मैं देखूंगा तो यहां पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा, तो ये हो गया, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी मिल गया माइनस ऑफ टेन थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे दोस्तों टेबल, और टेबल के अकॉर्डिंग हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पे मैं टेबल फटाफट से एक टेबल बना रहा हूं, अब इस टेबल में मुझे चार पार्ट में टेबल को डिवाइड करना है, वन पार्ट टू पार्ट एंड थ्री पार्ट एंड देन फाइनली फोर पार्ट। और ऐसे में अगर आपको पता है कि ये आपका जो जो भी वैल्यूज एक्स एंड वाई में दिया है दोस्तों थीटा के टर्म में और एक्स एक्सिस के सिमेट्री है, तो आप ये वाले वैल्यूज लोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव, कितने वैल्यूज लोगे दोस्तों फाइव वैल्यूज, तो यहाँ पे टोटल सिक्स आपको टेबल तैयार करना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूं, यहाँ पे दो टेबल हो गए, टोटल फोर हो गए, और अब देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट टेबल में आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा टी, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज भी पता है, जीरो लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों पाई बाय फोर, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों पाई बाय टू, और यहाँ फोर्टी फाइव नाइनटी, वन थर्टी फाइव मतलब थ्री पाई बाय फोर, एंड दोस्तों इसके बाद वन एटी मतलब पाई, चेक कर लो। हमने सभी वैल्यूज ले लिए, अब सभी वैल्यूज लेने के बाद आप हो सकता है कि आप अपने बुक में चेक करोगे तो ये वैल्यूज अलग होंगे, फिर भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x की जगह पे मैं, ये देखो मेरा ये x का वैल्यू है, x की जगह पे मैं जीरो पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूं तो cos जीरो कितना होता है वन, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों ए। y की जगह पे अगर मैं जीरो पुट करूं तो साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ जाएगा जीरो। फिर से मैं अगर पाई बाय फोर पुट करूं, अब आपको पता है कि cos पाई बाय फोर कितना होता है, cos पाई बाय फोर आपको पता है कि वन अब वन अपॉन रूट टू होता है, पर अगर मैं इसका क्यूब लू, क्योंकि आगे भाई क्यूब भी है और साथ में a है, तो ये a हो जाएगा a इंटू वन अपॉन रूट टू को अगर आप थ्री टाइम लोगे तो रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं वन अपॉन टू रूट टू, टू रूट टू, और साथ में देखो ये रूट टू मतलब टू होगा और साथ में एक रूट टू, और साथ में यहाँ पे दोस्तों क्या a है। अब वन अपॉन टू रूट टू का वैल्यू क्या आएगा, तो आपके पास कैलसी है, कैलसी से आप फटाफट निकाल लो वन अपॉन रूट टू, रूट टू का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, आप कैलसी से निकाल लोगे तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यूज निकालना है, मैं मेरे पास तो अभी कैलसी नहीं है तो मैं इससे ही निकाल रहा हूँ। देखो मुझे पता है कि वन अपॉन मुझे पता है कि रूट टू का वैल्यू क्या होता है, तो रूट टू का वैल्यू मुझे पता है, रूट टू का वैल्यू कितना होगा वन पॉइंट फोर वन होगा, ये मुझे रैंडमली पता है, तो वन पॉइंट फोर वन ये तो मुझे पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है टू इंटू वन पॉइंट फोर वन कर रहा हूं, टू इंटू वन पॉइंट फोर वन, आप ये सब करना मत, तो टू पॉइंट एट टू आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ए और ये वन है और यहां पे क्या है टू पॉइंट एट टू, अब वन अपॉन टू पॉइंट एट टू अगर मैं डिवाइड करूं टू पॉइंट एट टू,
तो मेरा 0.35 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये ए ऐसी होगा और 0.35 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। आप अपने कैलसी में डायरेक्ट 1/2√2 रखोगे, डायरेक्ट आपको 0.35 मिलेगा। भाई मेरे पास कैलसी नहीं है, तो मेरे पास मोबाइल फोन है, तो मैंने यहां से कैलकुलेटर में किया है। अब यहां पे ये वाला आपका पार्ट हो गया। अब यहां पे आपने इसका आंसर भी निकाल लिया, इसका आंसर कितना आया दोस्तों, ए आया, और साथ में कितना आया दोस्तों, मतलब अच्छे से लिख देता हूं, 0.35 into A। वही अगर आप इसका निकालने जाओगे तो आपको पता ही cos sin 45 भी कितना होता है दोस्तों, 1/√2। तो इसका भी सेम आंसर आएगा, मतलब यहां पे भी सेम अगर आप करोगे तो यही आएगा, पाई बाय टू। आपको पता ही cos 90 कितना होता है दोस्तों, जीरो होता है। आप अपने कैलसी में फटाफट सब चेक करना, तो cos 90 आपको जीरो मिलेगा। वही अगर आप sin 90 की बात करोगे तो 1 होगा, और 1 का क्यूब दोस्तों 1 होगा, और 1 into A क्या होगा दोस्तों, A आएगा। अब यहां पे 3π/4 अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, 3π/4 मतलब 135। अब 135 अगर आप निकालोगे तो देखो भाई, यहां पे या तो 135 निकालने का आप अपने कैलसी से भी निकाल सकते हो, या तो आपके पास अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले से भी आप 135 निकाल सकते हो। देखो यहां पे मुझे क्या निकालना है, cos 135 है ना, cos 135 इक्वल टू, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, cos 90 प्लस 45 कितना होता है दोस्तों, 135। तो यहां पे डायरेक्टली ये cos हो जाएगा, ये 90 है तो cos का उल्टा हो जाएगा। जब भी यहां y एक्सिस के कोई भी एंगल्स आते हैं तो चेंज होता है, तो ये 90 है, तो cos का क्या हो जाएगा दोस्तों, sin, और ये क्या हो जाएगा, 45। और आपको पता है कि अगर ये सपोज 90 है, दिखाई दे रहा है आपको, और अगर ये, या तो आपको पता है कि 135 एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 135 एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है 90 से 180 के बीच में होता है, तो यहां पे एंगल आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होगा, माइनस होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। और साइन 45 कितना होगा दोस्तों, -1/√2। तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया। अब यहां पे कॉस 135 का आपको आंसर मिल गया, मतलब आपका ये इसका आंसर मिल गया। और सेम उसी का आपको क्या करना है दोस्तों, क्यूब करना है। क्यूब करोगे तो वही आएगा सेम, देखो 1/√2 का क्यूब करोगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया वही माइनस फॉर्म में, तो बाहर माइनस आने वाला ही है क्योंकि क्यूब है, वही स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता, तो वही सेम इसका आंसर वही आएगा, -0.35। और साथ में बस क्या आएगा दोस्तों, ए, तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा, -0. ये सेम आएगा। वही अगर आप ये वाला वैल्यूज निकालते हो, सपोज यहां पे साइन है, अब देखो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास कैलसी है, आप डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यूज पुट करो, आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। अब देखो यहां पे मुझे अगर साइन कितना निकालना है, 135 निकालना है, तो साइन 135 अगर देखो यहां पे ना, वाई में साइन है, तो साइन 135 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, साइन 90 प्लस 45। तो सेम ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वाई एक्सिस का एंगल है 90। वही अगर एक्स एक्सिस का होता तो सेम हम रखते यहां पे 45। इससे प्लीज कंफ्यूज मत होना। और यहां पे अगर मैं देखो यहां पे ये 135 यहां का है, और इसमें साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चेक करने का, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे प्लस रहेगा। और कॉस 145 कितना होगा, 1/√2, मतलब cos 45 कितना होगा, 1/√2, और उसका क्यूब लूंगा तो सेम आंसर आएगा 0.35A। सेम टू सेम वही आंसर आने वाला है, कोई चेंजेस आने वाला है क्या दोस्तों, नहीं आने वाला है। अब ये होने के बाद प्लीज ये इतना सॉल्व मत करना, आप कैलसी से कर लेना। अब यहां पे ये होने के बाद, अब देखो यहां पे ये जो पाए है, आपको पता है कि cos पाए कितना होता है, cos 180 कितना होता है दोस्तों, -1। तो यहां पे अगर मैं -1 का क्यूब लूंगा तो -1 ही आएगा, और साथ में a है तो मतलब यहां पे क्या आएगा, -a। देन यहां पे अगर मैं cos, यहां पे अगर मैं sin पाए लू, sin पाए, देखो पाए वाले जो भी sin के टर्म होंगे ना जीरो होते हैं, तो ये जीरो होगा, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया। अब दोस्तों फाइनली अब मैं dy/dx निकाल रहा हूं, dy/dx का वैल्यू क्या है दोस्तों, -10θ। अगर मैं यहां पे जीरो पुट करूं, टेन यहां पे मैं जीरो पुट करूं, तो टेन ऑफ जीरो कितना आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। देन अगर मैं यहां पे dy/dx, अगर समझो मैंने यहां पे π/4 रखा, आपको पता है 10 45 कितना होता है, कैलसी है भाई आपके पास, आपको कोई टेंशन नहीं है, याद नहीं हुआ फिर भी कैलसी में फटाफट देखते जाओ, 10 45 का वैल्यू 1 होगा, पर माइनस है तो इसलिए -1 लिखूंगा मैं। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अब यहां पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो यहां पे π/2 है, आपको पता है कि 10π/2 क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होगा, तो यहां पे मैंने नॉट डिफाइन इन्फिनिटी लिख दिया, माइनस में लिखना है तो माइनस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पे
यहां पे 3π/4 है। अब यहां पे आपको 10 135 आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो आपने थोड़ी देर पहले ही दोस्तों साइन 135 और कॉस 145 निकाला था, दोनों के वैल्यूज को अगर आप देखोगे तो सेम होगा। एक का वैल्यू क्या आया था दोस्तों, -1/√2, एक का वैल्यू क्या आया था, √2 आया था, ऐसा कुछ आया था, और साथ में एक माइनस है इसमें से, दोनों में से याद है आपको कोई ना कोई एक माइनस आया था। अब माइनस कौन सा वाला आया था आपको पता है, एक्स वाला, मतलब कॉस वाला माइनस आया था। तो टेन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, देखो टेन इक्वल टू साइन अपॉन क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन क्या होगा कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 135, यहाँ पे कितना आ जाएगा 135, और साथ में दोस्तों माइनस है यहाँ पे माइनस, और आपको पता है साइन 135, देखो साइन टर्म में 135 वाले में प्लस है, मतलब यहाँ पे आंसर प्लस में होगा, और कॉस वाले में दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया होगा वो माइनस फॉर्म में होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों 1। तो आप डायरेक्ट अपने कैलसी से ही चेक कर लो, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद अगर आप यहाँ पे पाए निकालते हो, अगर यहाँ पे आप पाए निकालोगे तो आपको पता है, ये देखो अगर आप दो वैल्यूज को जानते हो तो आपको पता है कि साइन पाए कितना होता है दोस्तों, साइन पाए 0 होता है, कॉस पाए कितना होता है दोस्तों, -1, और आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो 0 / -1 अगर आप करोगे तो आंसर 0 आएगा। वैसे तो आप अपने कैलसी से भी निकाल सकते हो, तो ये टाइम जो है इसलिए मेरे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, देन इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैंने ये टेबल पहले से ही बनाया था कि जिससे आपका ये टाइम बचे, पर इस वाले क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लाइट नहीं गया है, काश ये क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता तो आज तो मजा आ जाता। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम पॉइंट जो है ए दिख रहा है, तो देखो मैं यहां पे ए ले ले रहा हूं, और यहां पे मैं दोस्तों माइनस ए, और यहां पे पता है आपको प्लस ए, और नीचे साइड में क्या आएगा दोस्तों माइनस ए। आपको पता है कि ये एक्स का प्लस साइड है, एक्स का माइनस साइड है, वाई का प्लस है, वाई का माइनस है। अब दोस्तों मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं, सबसे पहले ए कॉमा जीरो पे प्लॉट करूंगा, पहला पॉइंट मेरा क्या है ए कॉमा जीरो। अब a कॉमा जीरो वाला पॉइंट कहां पे प्लॉट होगा, देखो a कॉमा जीरो मतलब मुझे y का वैल्यू नहीं पता है और बस x का पता है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा और x एक्सिस पे a यहां पे है, तो दोस्तों ये पॉइंट यहां पे प्लॉट हो गया। द पॉइंट नंबर सेकेंड 0.35 से क्या आएगा दोस्तों, यहां पे गया 0.35 और यहां पे गया दोस्तों 0.35 a। अब देखो ये a है तो आपको पता है ये हाफ a होगा, और 0.35 मतलब 0.35 मतलब वो हाफ से भी थोड़ा कम होगा, मतलब ये हाफ है तो हाफ से थोड़ा सा कम होगा, यहां पे कहीं आएगा, तो ये यहां पे एक्स वाला पॉइंट मुझे पता चल गया यहां पे, और वाई वाला भी कुछ यहां पे होगा, यहां पे होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा मेन पॉइंट होता है। तो मतलब यहां पे आपको पता है जब हम कोऑर्डिनेट पुट करते हैं 2, 3, तो हम यहां से 2 डिस्टेंस लेंगे, यहां पे 3, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमने ये वाला भी पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया, थोड़ा सा चाहिए तो अच्छे से ले लो, अरे यार देखो थोड़ा सा अच्छे से ले रहा हूं, समझो मैं यहां यहां ले ले रहा हूं और ये वाला यहां, तो यहां कहीं पे आएगा ये पॉइंट। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो 0, a है, अब 0, a मतलब देखो 0, a इसमें आपको जब भी 0 साथ में आया तो समझ जाना एक्सिस के ऊपर आएगा, तो इसमें आपको y वाला एक्सिस पता है, y का पॉइंट पता है, तो मतलब ये 0, a यहाँ का पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 0, a आपको ये वाला ही पॉइंट पता चल गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिर से देखो दोस्तों x जो है आपका माइनस है, x माइनस है मतलब ये, अब यहाँ पे 0.35 जैसे आपने ये लिया वैसे ही कुछ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे x जो है आपका y जो है आपका दोस्तों प्लस है, y प्लस है मतलब ऊपर साइड भी मतलब ये, और ये दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होगा दोस्तों वही आपका पॉइंट है। सपोज ये मैंने ले लिया तो ये वाला ही पॉइंट प्लॉट हो गया -a, 0। अब देखो माइनस ए है और जीरो है, जीरो आया मतलब एक्सिस पे, और एक्स वाला हमें पता था एक्स पे माइनस ए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लॉटिंग। अब दोस्तों अगर मैं ये होने गया था मैं अपने टेंजेंट को देखूं, dy/dx से हमें टेंजेंट मिलेगा, तो पहला वाला जो टेंजेंट है जीरो पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट है a, 0, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा टेंजेंट कैसा है, जीरो है, जीरो है मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x एक्सिस हमारा टेंजेंट है ये,
देन दोस्तों अगर आप देखोगे यहां पे ये वाले पॉइंट पे आपका क्या माइनस वन है, मतलब ये जो सेकेंड वाला जो आपको पॉइंट मिला यहाँ पे क्या माइनस वन है, और माइनस वन का आपको स्लोप किस तरह से बनाना है, टेंजेंट किस लेवल से। एक सेकेंड बाबू क्या हुआ, बाय 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 टाटा। तो यहाँ पे क्या है माइनस वन है, क्रम अपने स्कूल जा रहे हैं, माइनस वन है, माइनस वन है कि वन है वो चेक करना होगा। क्या है दोस्तों सेकेंड वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे माइनस वन है, माइनस वन पे मैंने बोला था कि किस तरह से आएगा दोस्तों, इस तरह से 135 की तरह। तो इस वाले पॉइंट पे आपका स्लोप ऐसा कुछ आएगा दोस्तों, देखो इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब मैंने क्या बोला था वाई, सीधा वाई आएगा, टेंजेंट किस तरह से आएगा दोस्तों वाई। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे आपका इस तरह से कुछ आएगा, यहाँ पे टेंजेंट आएगा, ये सब टेंजेंट है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फिर से वन आ रहा है, इसके ऊपर वन आ रहा है, वन मतलब क्या आएगा दोस्तों इस तरह से देख लो आप, वन के लिए मैंने क्या दिया है, वन के लिए आपको इस तरह से दिया मतलब 45। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप लास्ट वाला देखोगे तो माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो है, जीरो है मतलब एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस। अब यहां से आप अपना डायग्राम क्या कर सकते हो दोस्तों, ड्रॉ कर सकते हो यहां से। आप अगर आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ करोगे ध्यान से। अब देखो यहां पे ये देखो ये टेंजेंट है तो कर्व ऐसा कुछ यहां पे से जाएगा, फिर यहां पे से थोड़ा सा मैं परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूं, हाँ देखो ऐसा जाएगा, फिर आपको पता है यहां पे भी टेंजेंट है तो फिर आपका फिर से कर्व ऐसा कुछ जाएगा, वो यहां पे ऐसा ज्वाइंट नहीं दिखना चाहिए सिस्टमैटिक। देन सेम टू सेम यहां पे से ऐसे ही जाएगा दोस्तों, देखो ये, और यहां पे से देखो यहां पे से टेंजेंट की तरह दिखना चाहिए, और सेम आपको पता है कि आपका जो कर्व है दोस्तों वो एक्स एक्सिस से क्या है दोस्तों पैरेलल है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस से ये कैसा है पैरेलल है, तो अगर एक्स एक्सिस से अगर मैं इसको पैरेलल बनाऊं तो सॉरी सिमेट्री बनाऊं, एक्स एक्सिस से पैरेलल बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस से सिमेट्री बनाऊं तो सेम टू सेम ये जैसा डायग्राम है दोस्तों ऐसा सेम टू सेम डायग्राम आपको क्या करना है नीचे इस तरह से ड्रॉ करना है, और सेम टू सेम ऐसा डायग्राम आपको नीचे, थोड़ा सा ये वाला अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाए, तो इस तरह से, तो इस तरह से ये आपका पैरामेट्रिक कर्व आ गया। अगर कभी भी आपका इक्वेशन अगर ये रहा, इक्वेशन भाई ये रहा क्योंकि इसके ऊपर रेक्टिफिकेशन में क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इसका कर्व इस तरह से जाता है। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा मेरा पैरामेट्रिक पे, जिससे मैं अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा, बस उससे ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद दोस्तों।